जो फर्स्ट एसी होती है उसमें एक पैसेज होता है पूरा, जब देखो ना ये पूरा पूरा पैसेज से बना रहता है, एकदम रूम टाइप के रहते हैं, और ऊपर एक सीट है, नीचे एक सीट है, मतलब पूरा पूरा कंपार्टमेंट है। और यह सेकंड एसी, ये एक सीट है, ये नीचे एक सीट है, मतलब बीच वाली सीट गैप रहती है सेकंड एसी। देखिए ये थर्ड एसी, जो बीच वाली सीट होती है इसमें होती है और स्लीपर में भी होती है, तो सेम होता है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस एसी रहती है यहाँ पर। आप लोगों को मैंने जो है नदी दिखा दिए, फॉल्स दिखा दिए, कई कॉलेजेस दिखा दिए प्रयागराज के, और कई ट्रिप भी हुई मेरी ट्रेवल की, और आई होप सो आप लोगों को सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। आपकी आवाज़ कुछ सुनाई दे रही है, मतलब कुछ अनाउंसमेंट के आपको लग रहा होगा कि मैं अभी स्टेशन पर हूँ। तभी फिलहाल बेसिकली आज मैंने ये सोचा हुआ है कि आपको मैं टूर दूंगा तीनों टायर्स का, मतलब ट्रेन में तीन टायर्स होते हैं ना, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। क्योंकि मेरा फ्रेंड बेसिकली दुरंतो से आज बॉम्बे जा रहा है, वो तो मतलब पुणे में जॉब करता है, तो उससे मिलाऊंगा, जिसको आपने अभी तक मेरे ख्याल से पिज्ज़ा वाले ब्लॉग में देखा होगा। अभी फिलहाल मैं प्रयागराज जंक्शन पर हूँ, और अंदर जाने से पहले मैं बताना चाहता था आपको कि प्रयागराज जंक्शन बेसिकली अभी मैं जो खड़ा हुआ हूँ ये है सिविल लाइन साइड, अगर आप लोग प्रयागराज से हो तो आपको पता होगा। और एक सिविल लाइन साइड है, एक सिटी साइड है, और जो प्रयागराज आपको इंडिकेस कोई भी ट्रेन इंडिकेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पकड़नी होगी, तो आप जस्ट सिटी साइड जरूर जाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सारी ट्रेन के नाम लिखे हुए हैं, 12801, ये है सिकंदराबाद, आनंद विहार, गंगा, ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, कमायनी एक्सप्रेस, तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। और यहाँ पर है पार्किंग, मतलब यहाँ पर पार्किंग मना है, मैं लगा ऐसे रखी हुई कि इन द केस कभी मेरा फ्रेंड यहीं पे आएगा ना इसीलिए। तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म अभी है, ये 6 नंबर है, तो अभी हम लोग 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर हैं। आप लोगों को याद होगा जब मैं ऋषिकेश जा रहा था ना, तो मेरा फ़ोन इसी प्लेटफॉर्म से मैंने ट्रेन पकड़ी थी, ये मेरा फ़ोन खो गया था रास्ते में। फ्रेंड जिस ट्रेन से जा रहा है ना, वो ट्रेन 10 नंबर पर नहीं 2 नंबर पर आती है, क्योंकि मैंने गूगल पर देखा था, गूगल पर पता नहीं क्या दिखाता है वो, मेरे ख्याल से यहाँ से 2 नंबर से जाती होगी, वहाँ पर 10 नंबर पहुँचती होगी, हम भी क्या बेवकूफ़ी करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, तो अभी मैं यहाँ पर बाइक खड़ी करूँगा अपनी, फिर यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलते हैं और फिर आपको वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये है मेरी बाइक, जो कि काफ़ी, मतलब मैंने 2014 में इसको लिया था, राइट नाउ इज 2022, और आज भी मैं एक बार बताऊँ आपको, कभी भी आप बाइक पर लो ना, तो सिंगल हैंड कोशिश करो एक ही आदमी चलाए, 2 आदमी चलाएगा ना प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि फिर गाड़ी जल्दी डिटोरेट हो जाती है, जल्दी मतलब ख़राब हो सकती है। गाइस हो गई है लेट, और हमें को जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये वाला मामला थोड़ा गड़बड़ होगा, तो दूर पड़ेगा यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो मेरे को जल्दी पहुँचना पड़ेगा वहाँ पर, और सब मेरे को देख रहे हैं आसपास वाले। अच्छा ब्लॉगर्स को ऐसे पागल समझते होंगे ना, पता नहीं क्या कैमरे बात करते रहते हैं हमेशा, अबे रास्ता कहाँ है भाई, रास्ता नहीं है निकलने का, इंडिया में जुगाड़ हर जगह चलता है, ये देखिए रास्ता यहाँ निकलना, यहाँ से, अरे बाप रे, यहाँ भी शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट मारो दादा, अरे। तो यहाँ पे देखिए होटल पोलो मैक्स भी है, आप इन द केस आ रहे हो, बाहर कहीं रहते हो, आप इन द केस आ रहे हो तो यहाँ पर ले सकते हैं। वैसे स्टेशन के पास जितना ज़्यादा स्टेशन के पास आप रूम लेंगे ना, उतना महंगा पड़ेगा आपको, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं हाँ रहा हूँ, क्योंकि टू लेट ना हो, उसके ट्रेन 6:10 में छूट जाएगी, अगर मैं नहीं पहुँचा तो कोई व्लॉग नहीं बन पाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए मैं ले लिया है ये प्लेटफॉर्म वाला टिकट, और इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये देखिए सामने 1, 2, 3, 4, 10 तक देखिए सामने लिखा हुआ है पूरा। प्लेटफॉर्म टिकट जरूर ले लिया करिए, क्योंकि होता क्या है ना, अबे भाई हाँ, तो होता क्या है ना कि अगर इन टिकट प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेंगे आप, तो पहली बात तो ले लेना चाहिए, इलीगल होता है, अगर इन टिकट मैंने नहीं लिया, अपने आप अंदर गए और कहीं चेकिंग हो गई ना, अब दिन हो जाएगा ख़राब, बिल्कुल सही बताऊँ तो। हमको जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, तो मैं 6 पर, हम लोग को 2 पर जाना पड़ेगा एग्जैक्टली। ये देखिए ये है प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10, ये सीधा है 874521, सीधा आना पड़ेगा आपको सीधा। अच्छा ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड 3, तो ये देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर, अगर 1 आप जाओगे सीधा निकल जाओ, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 ये सामने है, और प्लेटफॉर्म संख्या 2 एंड 3, तो यहाँ पर ये देखिए मेरे को इधर जाना था और मैं गलती से उस तरफ चला गया था एग्जैक्टली, तो थोड़ी गलती हो गई, तो आप भी ध्यान रखिएगा कभी भी आप इन दिकेस आ रहे हैं ना, तो ये जो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये सिटी साइड वाला है और वो सिविल लाइन साइड वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत टफ होता है पब्लिक ब्लॉगिंग करना सच में, हैट्स ऑफ टू ऑल द क्रिएटर्स, बहुत टफ होता है भाई,
मतलब क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप पब्लिकली ब्लॉगिंग करते हो ना तो सब आपको देखते हैं आसपास वाले, तो टफ तो होता है उस समय, दुखती है इंसान की। ये है ट्रेन दुरंतो लोकमान तिलक मुंबई टू प्रयागराज 12294 सामने है ना, और उसका मतलब फर्स्ट एसी में है टिकट, और हम मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो सेकंड और थर्ड दोनों का दिखाऊंगा, मतलब तीनों का दिखाऊंगा मैं। ये देखिए ये थर्ड एसी, जो बीच वाली सीट होती है इसमें होती है और स्लीपर में भी होती है, तो सेम होता है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस एसी रहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर और बाकी थोड़ा साफ सुथरा भी काफ़ी आता है, कर्टन वर्टन दिए हुए हैं यहाँ पर, अभी बैग लगा हुआ है मतलब भैया का, लेकिन ये कर्टन मतलब कर्टन दिया रहता है इसमें, तो साफ सुथरा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इतना ही रहता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता स्लीपर और थर्ड एसी में, ठीक है। बाकी बाहर ले जल थोड़ा वॉशरूम दिखाते हैं आपको, थर्ड एसी कैसा है ये देखिए, तो गया हुआ है ये देखिए वॉशरूम, मैंने कहा ना वॉशरूम बहुत साफ नहीं होता थर्ड एसी का, तो ये देखिए अभी मैं जा रहा हूँ, ये है सेकंड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में आपको एक डिफरेंस दिखेगा, जैसे सेकंड एसी में ना आप रियारी खुल नहीं रह गया, पूरा खुलेगा नहीं है, अच्छा हाँ, तो सेकंड एसी में देखिए कर्टन्स दिया हुआ है यहाँ पर सामने, ये देखिए आप इसे खोल सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है इस पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ये एक सीट है, ये एक नीचे एक सीट है, मतलब बीच वाली सीट गायब रहती है सेकंड एसी से, ये वाली ये सीट होती है ना, इन केस आपको सोना हो ना तो आप इसको आराम से ऐसे नीचे कर लीजिए, अरे निकल ही ना गया ये निकलता कैसे, हाँ एग्जैक्टली यहाँ से हिंज है ये, तो आप इसको यहाँ से ऐसे ऊपर करिए, इसको नीचे करिए, और आराम से आप इसको गद्दा बना के सो भी सकते हो आराम से ना भाई, इस पर सो सकते हो ना आराम से लगा के पूरा, और यहाँ पर मतलब दोनों तरफ ऊपर नहीं दिया रहता क्या ये चीज़, ऊपर वाले पोर्शन नहीं देता ये चीज़, तो ऊपर वाले का चार्ज इससे कम होता है क्या इसका मतलब, नहीं यही होता है तब भी लोग लेते हैं मतलब, लेकिन लेकिन ये तो नाइंसाफी हो यार, नीचे वाली सीट में ये दिया हुआ पाया नहीं दिया हुआ है, तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपको मतलब बाकी सारी चीज़ें मतलब तकिया भी मिल जाएगी और कंबल वगैरह भी मिल जाएगा, बेड शीट वगैरह सब मिलेगा, सब मिलेगा ना ए टू जेड, तो ये था सेकंड एसी, और बाकी जो है सेकंड मैंने वही बताया, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में जो बीच वाली सीट होती है वो देखिए, सेकंड एसी में आपको बीच में कर्टन दिया रहता है ये ऐसे, हाँ। इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं ना, थर्ड एसी में नहीं देता ना ये चीज़, थर्ड एसी में नहीं देता, और बाकी जो है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आप में सेकंड एसी का ये पार्ट था, आइए बाहर लेके चलते हैं आपको, मेरा फ्रेंड का जो टिकट है वो H1 में है, और यहाँ पर मैं वॉशरूम में दिखाता हूँ आपको, मतलब मैं तो थर्ड एसी में कई बार ट्रेवल किया हूँ, लेकिन मैंने कभी आज तक फर्स्ट एसी में ट्रेवल नहीं किया, सेकंड एसी में ट्रेवल किया, आज मैं पहली बार इनफैक्ट वीडियो में आ जाता है, पहली बार मतलब मैं सेकंड एसी में घुसा हुआ हूँ, और यहाँ पर है कैसे खुलेगा ये देखिए, और ये है सेकंड एसी का वॉशरूम, अच्छा है काफ़ी साफ़ सुथरा है, अभी तो फिलहाल साफ ही रहेगा कि अभी लोग नहीं आए ज़्यादा, अभी तो साफ ही रहेगा ये, और यहाँ पर ये देखिए ये है, ये मतलब ये नॉर्मल लैट्रिन है, मतलब इसमें आप बैठ के करते हैं, जिसमें आपकी जो पैर की मसल होती है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, रखा हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, और यहाँ पर भी कोई गया है क्या, ये देखिए ये कमोड वाला है, और यहाँ पर फ्लश भी कर सकते हैं आराम से आप, ये पॉलिथीन लगाई हुई है इनके साथ, मतलब अंदर से आप आराम डाल दो इसमें फिर आराम से हो जाएगा काम आपको, यहाँ पे पूरा एसी का वेंट है इसका यहाँ पर सामने, और यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह भी हैं सामने, ये देखिए यहाँ पर सारी शॉप्स भी हैं, ये देखिए प्रयागराज सुपरफास्ट दुरंतो एक्सप्रेस, ये देखिए ये है H1, ये मतलब ये फर्स्ट एसी है, ये अब देखिए लिखा हुआ ना सामने फर्स्ट एसी है ये देखिए, अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, आज तक मैं खुद इसके अंदर कभी नहीं गया आज तक, क्योंकि आज तक कभी सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुआ वहाँ इतना महंगा टिकट लेने का, तो ठीक है आने के टाइम पर आपको इसके ट्रैवल करके दिखाएंगे फ्यूचर में आई होती हूँ, तो भाई तुम सबसे लेट क्यों आता है अभी, मुझे नहीं मालूम, तुम बोले 6 बजे आएगी गाड़ी, मैं सोचा 6 बजे आएगी, मुझे नहीं पता था 6 बजे आएगी, हाँ हम कल से यही पूछे तुम लोगों से 6 बजे जाएगी 6 बजे आएगी, वो अब आज टिकट भेजा आज शाम को देखा मैंने, तो अभी जाए मैंने रजीत भाई भी आ चुके हैं, और जो जाने वाला है वो बंदा अभी तक नहीं, हम लोग पंजाब के बैठ गए हैं, हर वीडियो में आप देखते होंगे कि गौरव भाई एक बंदे का नाम लेते हैं सदिके सदिके, एग्जैक्टली वो आज तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस हो चुका है ना पिछले वाले ब्लॉग में, हो गया आने वाला है, पहले वाले ब्लॉग में वो अभी आया नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं कि इतना इतना हो गया कि वहां तक पहुंच गया है, इतना लंबा हो गया है कि नहीं, कहां है वो, आ रहा है आ रहा है, ये देखो ये आ गए हैं, आन भाई आ चुके हैं, ये देखो ये बंदा जो है, अबे तुम फोन क्यों उठाते हो हमारा आजकल, तुम फोन उठा रहे हो, गजब बेइज्जती है, वो देखो वो देखिए देखिए आपको दूर से देखिए सबसे सबसे लंबा इंसान जो होगा वही होगा, वो देखिए और भाई बोल रहे हो क्या बोल रहे हो
अच्छी बात ये होती है कि जो फर्स्ट एसी होती है उसमें एक पैसेज होता है पूरा, जहाँ देखना ये पूरा पूरा पैसेज से बना रहता है, तो आप इन द केस रिलैक्स वैक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे एकदम रूम टाइप के रहते हैं, रूम के अंदर आप ऐसे खोलेंगे कोई है तो नहीं अंदर एग्जैक्टली। तो ये देखिए, अरे 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 अरे, ये देखिए यहाँ पर देखिए पेपर वगैरह पूरा अरेंजमेंट है, और यहाँ पर ऊपर एक सीट है, नीचे एक सीट है, मतलब पूरा पूरा कंपार्टमेंट है, और आप आराम से चढ़ के ऊपर जाकर सो भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेयरकेस भी दिया हुआ है पूरा पूरा, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठंडा भी है भाई, फर्स्ट एसी है अल्टीमेटली। क्या कूप कहते हैं क्या इसको? Yes, कूप इज बेसिकली फॉर कपल, ठीक है? अच्छा, ओ दैट्स व्हाई। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। बुक करोगे तब नहीं बताया जाएगा कि अच्छा कूप नहीं लूप तो नहीं है, तुम हनीमून यही मना लो। हाँ, बस यही मना लो। अच्छा तो वहां पर चले, कहीं डेस्टिनेशन का चक्कर ही नहीं होगा ना। सही बात है, टू एंड फ्रो का ले लेना टिकट। हाँ सही बात है, मुंबई चला अगले दिन पता चला टीटीआर कह रहा है अभी जा रहे तो फिर मिल गए दोबारा से, उतरना ही मत ना। मैं ट्रेन ब्लॉगर बन रहा हूँ। अंकल भी आ गए हमारे साथ अंकल, और ये देखिए इसका नाम क्या है? कायरा नाम है। कायरा अडवाणी, हाय कर दो, जल्दी कर दो, हाय कर दो ना, चोट लग गई, वीडियो हाय तो कर दो, वीडियो बन रहा है, हाय कर दो। जी भाई तुम्हें बता, तुम पहली बार आए हो फर्स्ट एसी में? हाँ मैं पहली बार नहीं, क्या बोला तूने? इसमें गरीब फैमिली में कोई रिलेशन नहीं है। अरे भैया कब आओगे वापस? अब तुम्हारी शादी नहीं सकते, तब तू शादी कर लेगा तो फिर आ ही जाएगा। वो तो हमको लगता है इतना मुश्किल है, जब करेंगे तब देखा जाएगा। हमारे साथ देखिए भाभी भी है, भाभी को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। हाँ इसको मैंने कर लिया, क्या कर लिया तुम? ये देखिए बेसिकली कूप है, ये कूप है कपल के लिए, तो सीट से भी कर सकते हैं। हाँ कैसे देखो कूप इसलिए नहीं बताया जाता ना, व्हेन द चार्ट विल बी प्रिपेयर्ड देन यू विल गॉट टू नो दैट यू विल गेट द कूप ऑन। हां 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 बता बता ना। हां 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 मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये लोग इंडिकेशन दे रहे हैं उसके बारे में। टू पीपल कैन इजीली स्लीप, हाँ सही बात है, बहुत आराम से बैठ सकते हैं, और उसके बाद फिर तुम तो इतना भी सो जाओगे ना। मतलब ये समझ लीजिए कि आप इसको बंद कर दीजिए, सीढ़ी भी है देख सकते हैं, सीढ़ी बंद। तुम क्या 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 बोल रहे हो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये क्या हुआ है? इसमें यंग लोग नहीं चढ़ पाएंगे पता चला अभी हमको। क्यों तुम मोटे हो ना, 20 लिम मोटे, इतने थोड़े मोटे हैं, इसमें उतर नहीं जाएंगे हम। मैं आपका ये भी है, क्या चीज? बेल। अच्छा बेल भी है, आप बेल बजाओ, अटेंडेंट आपके लिए आ जाएगा। क्या बात है, बेल कौन बजाता है? इसमें बजाते हैं क्या लोग बेल? अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है। और एक चीज, अभी हनीमून मनाते बताया था, एक चाबी उनके पास भी रखी, ये मत सोचना भी। अच्छा ट्रेन मूवी बना देगा, ट्रेन वाली तुम, ये मैनुअल वाला। अच्छा हाँ, तो ये आपको पूरा प्राइवेट स्पेस हो गया। यस यू कैन इंसर्ट द, अब ऐसे ना ये दोनों। अच्छा अच्छा यहाँ से ही बंद कर लो, यहाँ से बंद कर लो। और गौरव तुमने जूता कब पहना, कब सीखा था जूता? हमने अबे हमको याद है भाई, हम सेवन क्लास तक ना पिता नहीं मान पाते थे अपना। मुझे याद है पीटीआई तुमको कई बार मारता था। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप शावर भी है यहाँ पर। मेरे को मैंने सेकंड थर्ड एसी में कभी शावर, मैंने सपने में सोचा शावर भी होगा इसमें, क्योंकि सही कह रहे ना। वॉशरूम सारे मेरे ख्याल सेम ही होंगे, वॉशरूम में कोई डिफरेंस नहीं होगा आई थिंक सो। ये बंदे कोई गया हुआ है अंदर। हाँ एग्जैक्टली, तब आपको गीजर भी है साथ में, आप शावर वावर ले सकते हैं। ये तो नहीं होता, ये तो सेकंड और थर्ड एसी में नहीं होता भाई, ये तो मेरे ख्याल फर्स्ट एसी में होता है भाई। चीज टिकट कितने का पड़ा तुमको ये? अराउंड मुझे दो आदमी का अराउंड 10,500 पड़ा। अच्छा टू मुंबई, इलाहाबाद टू मुंबई, हाँ मतलब पूरा एंड टू एंड ना पूरा। और कितने देर की जर्नी है अप्रॉक्स? ये 19 hours 30 मिनट्स। तो दिल्ली मेरे ख्याल से इसका 30% और कम होगा कि इतना ही होगा अप्रॉक्स, अगर दिल्ली जाना हो किसी को तो। दिल्ली तो मास में, दिल्ली तो 600 यहाँ 30% ऑफ है तो। हम समझ रहे हैं, मतलब लड़के छोड़ते नहीं है किसी जगह हमारे लेने के लिए, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, बट 30% कम होगा ना लेकिन। अरे आई थिंक अप्रॉक्स यार, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यार दिल्ली 600 किलोमीटर मारपीट कर लेंगे दूसरे से। हाँ तो अभी ट्रेन जाने का टाइम हो चुका है, और अपने दोस्त को विदा करने का टाइम हो चुका है। और बचपन है वैसे भी ना, आर्मी में जितने बच्चे होते हैं उनका कहते हैं उनकी दोस्ती में स्टेशन तक ही होती थी, हम लोग स्टेशन पर ही है तो, लेकिन हम लोग की दोस्ती आज तक चल रही है तो बहुत अच्छा। आगे चलेगी गाड़ी, चलते भी चलेगी भाई। ये देखिए ट्रेन धक्का दे रहे हैं ये। चलो चलो भाई, टेक केयर, हाँ सी यू अगेन। चलो
वॉचिंग ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना बहुत ख्याल रखो, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर, बाय।